नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। शिव कल्याण स्वरूप हैं, लेकिन जब शिव को क्रोध आता है तब सृष्टि के विनाश का संकेत मिलता है। मान्यता है कि शिव के क्रोध से ही भैरव का जन्म हुआ। भैरव को काशी में दंडपाणि भी कहते हैं, जिनको काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता ये है कि भैरव की उपासना करने से भैरव इंसान के हर एक भय को हर लेते हैं। आध्यात्म की आज की यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान भैरव के दरबार में, जहां मिलता है भगवान शिव के साथ साथ शनि, हनुमान और माँ काली का आशीर्वाद। बाबा की विशेष कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पता नहीं चलता कि संकट होता है। अगर होता भी है तो ऐसे बाबा उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता। हाँ, यहाँ सारी मनोकामनाएं सभी लोगों के पूर्ण होते हैं। मुझे यहाँ पर आकर एक अलग शांति मिलती है, मतलब बहुत पीसफुल जगह है। चमत्कारों की तो आप ये समझो कि यहाँ कदम रखते ही मेरे साथ चमत्कार हुए। वो अपने आप को अनुभव कराते हैं कि मैं हूँ। आपको पल पल आपको ऐसा एहसास होगा कि वो आपके साथ है। जो भी कुछ है मेरे पास आज लाइफ में, इन्हीं की बदौलत है। काल भैरव असल में जीवन, मृत्यु, दुख, तकलीफ और ये कोर्ट कचहरी, इनके देवता हैं बेटो। भगवान सूर्य की किरणें भी उस दरबार में नतमस्तक होती हैं। मन्नत का दीपक उस दरबार में किस्मत की लकीरें बदल देता है। आस्था प्रेम के साथ भगवान का नाम जप मुक्ति मोक्ष के द्वार खोल देता है। दरबार है साक्षात भगवान काल भैरव का। जहां भगवान भैरव साधक के हर भय का नाश कर देते हैं। अरदास लेकर आए हर भक्त की कामना भगवान भैरव पूरी करते हैं। मान्यता है कि उस दरबार में अर्जियां चिट्ठियों में लिखकर प्रभु के द्वार तक पहुंचाई जाती है। उस धाम की मान्यता 5000 साल पुरानी है। धाम का इतिहास बताता है कि भगवान भैरव के इस धाम को पांडवों ने स्थापित किया। मान्यता ये भी है कि इस धाम में भगवान भैरव स्वयंभू हैं। शिव स्वरूपी भगवान काल भैरव का ये दरबार स्थापित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के झंडेवालान इलाके में, जहां भगवान भैरव के दो स्वरूपों बटुक बाल भैरव और काल भैरव दोनों के दर्शन होते हैं। होता है भय का हरण कर जगत का भारण करने वाले। कहते हैं कि भैरव शब्द में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियों का समावेश होता है। लेकिन बाबा भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? दरअसल एक बार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में ही सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर विवाद हुआ। तीनों ऋषि मुनि के पास गए। ऋषि मुनि ने कहा कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा बड़े नाराज हुए और उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव अपना अपमान सुनकर बेहद क्रोधित हो उठे और कहते हैं कि इसी क्रोध से बाबा भैरवनाथ का जन्म हुआ था और यहीं पर उनकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में अलग अलग स्थान पर बाबा भैरवनाथ की स्थापना की गई है। कहीं पर काल भैरव के रूप में उनकी पूजा की जाती है तो कहीं पर बटुक भैरव के नाम से उन्हें पूजा जाता है। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के काल भैरव के दरबार में। इस मंदिर में साल भर भक्तों की बड़ी संख्या दर्शन के लिए आती है, लेकिन खास तौर पर हर रविवार को इस मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लग जाता है। काफी टाइम हो गया आते हुए,
और मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आता है बाबा के दर्शन करने के लिए, और इतवार को तो आना ही आना है, और उसके बाद जो भी विशेष अनुष्ठान होते हैं उसके अंदर हमारी कोशिश रहती है कि आकर सम्मिलित हों और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। काल भैरव असल में जीवन मृत्यु दुख तकलीफ और ये कोर्ट कचहरी इनके देवता हैं बेटा। ऐसे इनका मूल जो दिवस है आने का जहाँ लोग वाकई भीड़ होती है वो मेन तो है रविवार। भगवान भैरव का ये धाम पौराणिक है जिसकी जड़ें द्वापर युग के महाभारत काल में पांडवों से जुड़ती हैं। भगवान भैरव की छवि निराली है। इस धाम में भगवान भैरव के तीन स्वरूपों के दर्शन होते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो भगवान शिव के क्रोध से भैरव का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा के एक सिर को काटकर उनके अहंकार का नाश किया था। नहीं, यहाँ पौराणिक मान्यता के अनुसार तो ये कि जब ब्रह्मा के जिस मुख से अपमान हुआ था शिव का, तो शिव ने अपनी जो जटा का भाग फेंक के जमीन के ऊपर मारा था, तो उसे भैरव की उत्पत्ति हुई थी। और क्योंकि उन्होंने जाके क्या ब्रह्मा की गर्दन काटी थी, तो इसलिए उनको ब्रह्म श्राप था, तो जाके उनको साधना करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी वैष्णो देवी, यहाँ पर जो भी स्थान आप देखते हैं वहाँ पे। इसीलिए इस धाम में भी भगवान भैरव की प्रतिमा चतुर्भुजी दिखती है, जिसके एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में भगवान ब्रह्मा का मुंड, एक हाथ में भिक्षा पात्र रहता है, जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में रहती है। भगवान भैरव के इस धाम में अर्जी लगाने वाले हर एक अरदासी की झोली खाली नहीं जाती। कोई इस दरबार में हाथ जोड़कर आंख मूंद कर भैरव का ध्यान कर उनकी आराधना करता है, तो कोई बाबा भैरव की पंचोपचार पूजा कर उन तक अपनी कामना पहुंचाता है, तो कोई कागज के पन्नों पर स्याही से अपनी कामना लिखकर भैरव के चरणों में अर्पित कर जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने आखिर इस मंदिर की स्थापना क्यों और कब करवाई? आखिर इस मंदिर में भैरव के दो दो विग्रहों के दिखने का कारण क्या है? इसकी पौराणिक कथा काफी रोचक और रोमांचक है। दिल्ली के काल भैरव मंदिर से तेज श्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान काल भैरव का ये दरबार पांडव कालीन है और कहते हैं कि महाबली भीम ने इस दरबार में काल भैरव की स्थापना की थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपने किले के निर्माण में सहायता के लिए भैरव का आवाहन किया था, और जब ये क्षेत्र खांडव वन का इलाका हुआ करता था, जिसे पुनर्जीवित कर अर्जुन ने इसे भाइयों के साथ मिलकर इंद्रप्रस्थ बना दिया था, और तभी से शिव स्वरूप में भगवान भैरव हर आने वाले भक्त को आशीर्वाद दे रहे हैं। काल भैरव के इस दरबार के शिखर पर लगे कलश और ध्वजा दूर से ही मंदिर के शक्ति की स्वर्णिम आभा के दर्शन करवाती है। मंदिर तक पहुंचने पर सबसे पहले भगवान भैरव की सबसे बड़ी प्रतिमा धाम की शक्ति का एहसास करवाती है। भगवा रंग में रंगी भगवान भैरव की प्रतिमा चतुर्भुजी है, जो उनके पौराणिक स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर के तीन गुंबद मंदिर की शक्ति को दिखाते हैं। ये गुंबद बताते हैं कि मंदिर में भक्तों के दैहिक
दैविक भौतिक तीनों ही पाप कट जाते हैं और भक्त मुक्ति पा लेता है। इस देव स्थान की ऐतिहासिक जड़ें द्वापर युग में महाभारत काल से जुड़ी हैं। कथा कहती है कि ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा के लिए कई बार यज्ञ का आयोजन करवाया था, लेकिन राक्षस यज्ञ को बार बार भंग कर दिया करते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि किले की सुरक्षा के लिए भगवान भैरव को किले में स्थापित किया जाए। तब भीम ने भैरव बाबा को लाने के लिए काशी यानी बनारस गए। भीम ने बाबा की आराधना की और बाबा से इंद्रप्रस्थ चलने की विनती की। बाबा ने भीम के समक्ष एक शर्त रखी और कहा कि वो जहां भी उन्हें सबसे पहले रख देंगे वो वहीं विराजमान हो जाएंगे, वो वहां से आगे नहीं जाएंगे। भीम ने भगवान की ये शर्त मान ली, बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। इंद्रप्रस्थ की सीमा पर पहुंचकर भगवान भैरव ने अपनी माया रची, जिसके बाद मजबूरन भीम को भगवान भैरव को अपने कंधों से उठाकर नीचे जमीन पर रखना पड़ा। तब भीम ने फिर से आराधना की और उनसे आगे चलने की विनती की, लेकिन बाबा आगे नहीं गए और कहते हैं कि तभी से भगवान भैरव अपने इस धाम में विराजमान है। जब भगवान शंकर को क्रोध आया था तो तीसरे नेत्र से ये उत्पन्न हुए थे। इनको ये मालूम पड़ा था कि मेरे पिता का अपमान, ये ब्रह्मा जी ने जो अपमान किया था, तो उनको उनके मुझे किस लिए आपने पैदा किया, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बेटा मेरा अपमान हुआ है और इन लोगों ने मेरा अपमान किया। तो उन्होंने उन्होंने पता लगाया कि भैया ऐसे ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने इनका मेरे पिता का अपमान किया। तो उन्होंने जाके पंचायत में पता लगाया, उनको मालूम पड़ा कि पाँचवें मुख से इनका इन्होंने अपमान किया था शिव का। तो उनको गुस्सा आया था, पिताजी ने बोला था भगवान शंकर ने कि तुम्हें ना अस्त्र होगा ना शस्त्र होगा, इनको नखूनों से, इन नखूनों से उन्होंने पांचवा शीश जो है काट दिया था ब्रह्मा जी का, और उनका बाल से पकड़ के और भगवान शिव के सामने ले आए थे। लेकिन इस धाम में भगवान भैरवनाथ की दूसरी कथा भी सुनाई देती है, जो बताती है कि युद्ध में विजय के लिए हमेशा पांडव भगवान भैरव का पूजन करते थे, उन्हें युद्ध में अपने साथ ले जाते थे, जिससे विजयश्री पांडवों की होती थी। शिव अनादि है, शिव अनंत है और बाबा भैरवनाथ शिव का ही एक स्वरूप है। द्वापर युग में जब हस्तिनापुर हुआ करता था तब पांडवों और कौरवों का वास था। कहते हैं कि पांडव हर युद्ध में जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करते थे, इसलिए भीम ने स्वयं यहाँ पर आकर बाबा भैरवनाथ की मूर्ति की स्थापना की थी। और जब जब पांडव युद्ध पर जाते थे तब तब वे बाबा भैरवनाथ की बाबा भोलेनाथ के रूप में पूजा करते थे और हर युद्ध में फतेह हासिल करते थे। इस देव धाम में भगवान भैरव की दो प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। पहली प्रतिमा स्वर्णिम आभा लिए है, जिसमें भगवान भैरव अपने उसी स्वरूप में दिखते हैं जिसकी व्याख्यान पुराण करता है, इन्हें काल भैरव कहते हैं। लेकिन इसी गर्भगृह में भगवान काल भैरव अपने बाल स्वरूप बटुक भैरव के रूप में भी दिखते हैं, जिनको दूध का भोग लगाया जाता है। स्वयंभू तो जमीन में से निकले हुए हैं बेटा, इनका तो मालूम ही नहीं मुझे, अपने आप निकले हैं बाल भैरव। स्वप्न में आए थे ये, उन्होंने बोला था कि मैं स्वयंभू हूँ और ऐसे धरती जमीन में से निकला हूँ, बालक रूप बोलते हैं इनको बाल भैरव। भगवान भैरव की मूर्ति को लाल चोले से सजाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर भगवान भैरव का मंत्र और यंत्र भी पत्थर पर खुदा दिखता है।
बाबा भैरव के इस दरबार में भैरव अष्टमी और अन्य त्योहारों के दिन भक्तों की विशेष भीड़ पूजा आराधना और उपासना के लिए उमड़ती है। तो होली दिवाली लोग आते हैं, यहाँ बाल उतारते हैं, मस्तक रहते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, आके बाल उतारते हैं। बेटा होली दिवाली तो बहुत ज़्यादा होता है, भैरव जी का जन्मदिन होता है नवंबर में, काल भैरवाष्टमी होती है, उस दिन मनाते हैं। बाबा के इस दरबार की आस्था यही कहती है कि न तो द्वापर में पांडव इस दरबार से खाली झोली गए थे और न आज इस दर पर आया भक्त खाली हाथ लौटता है। दिल्ली के काल भैरव मंदिर से तेज श्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान भैरव के इस दरबार में मन्नतों की ऐसी कई परंपराएं निभाई जाती हैं जो कि इस धाम को अनोखा बनाती हैं। मान्यता है कि इस धाम में भगवान भैरव अपने भक्तों की अर्जी चिट्ठियों के जरिए सुनते हैं। बाबा के धाम की भभूति बड़े से बड़े रोग का शमन कर देती हैं। कहते तो ये भी हैं कि जिस पर भैरव की कृपा हो जाती है उसका इस दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकता। भगवान काल भैरव के इस धाम में आने वाले भक्तों को दर्शन भगवती दक्षिणेश्वरी माँ काली के भी होते हैं। मुंडमाला पहने माँ काली शिव पर खड़ी दिखती हैं। कहते हैं कि भैरव माँ भगवती के अगुवानी माने जाते हैं, इसीलिए इस दरबार में भी माँ भगवती के अगुवानी के रूप में ही भैरव की आराधना होती है। नीम के पेड़ की छांव में शिव अवतारी भगवान भैरव अपने सारे भक्तों के जीवन के संकट संताप कष्ट सब हर लेते हैं। मैं कभी भी मुसीबत में फंसा हुआ होता हूँ, मैं मदद मांगता हूँ बाबा से, तो करते हैं मदद। तेज मैं तो भाई मानती हूँ, लोगों के लिए देवता है, और मेरी अब तक जो भी है दुख तकलीफ में सब जगह इन्होंने सहायता की है, उनका आशीर्वाद है। लेकिन ये तो बिना कहे इतना कुछ कर रहा है, हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ा यहाँ आकर तो, सिर्फ मम्मी हमें रास्ता दिखाती हैं और कृपा उनकी होती है बाबा की। जय बाबा की। भैरव और भगवती के इस दरबार में भगवान शिव भी विराजते हैं। भगवान शिव इस धाम में मृत्युंजय महादेव स्वरूप में विराजमान हैं। इस धाम में भगवान शिव अपने पूरे परिवार भगवान कार्तिकेय भगवान गणेश और माँ पार्वती के साथ दर्शन देते हैं। कहते हैं कि जो भी साधक इस दरबार में भगवान शिव की आराधना आस्था के साथ करता है उसे भगवान मृत्युंजय का वरदान देते हैं। वो रोगों से कष्टों से या कोई भी आपके ऊपर कोई बहुत भारी कष्ट होता है, जिसे कहते हैं कोई आपके निकलने का मार्ग नहीं होता, तो उनका मंत्र करने से, और ये मेरा अपना अनुभव भी रहा है क्योंकि मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी भी किया इंटरनेट के ऊपर, तो ये मृत्युंजय मंत्र जो इसलिए किया जाता है कि आपके जो भारी से भारी कष्ट हैं, ऐसी आपदाएँ जिससे आपको लगता है रास्ता नहीं है निकलने का मार्ग नहीं है, तो उसे करने से आपको लाभ होता है, तो वो पीछे हैं मृत्युंजय महादेव की। जिन भगवान भैरव के इस दरबार में होली दिवाली के साथ साथ काल भैरव अष्टमी पर विशेष हवन किए जाते हैं। तो जैसे कि आपकी ये छोटी होली हो गई, उस दिन हवन होता है रात्रि को, उससे पहले इनका चोला बदला जाता है, मतलब उसमें ये क्योंकि मूर्ति काले रंग की है तो उन पर काले रंग का चोला चढ़ता है और चांदी का वृक्ष चढ़ता है वो, तो और एक तो वो होता है आपका छोटी होली हो गई, एक आपका भैरवाष्टमी हो गई,
तो ये दो तीन महत्वपूर्ण तिथियाँ या दिन हैं जिस दिन का वो चेंज किया जाता चोला। काल भैरव जयंती, होली और दिवाली, उन तीन पर मैं कहीं भी हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ जरूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। भगवान भैरव के इस दरबार में आस्था का साकार स्वरूप देखने को मिलता है अर्जियों के रूप में। भैरव के चरणों में लाल कलावे में बंधी चिट्ठियां दिखती हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि ये उन भक्तों की मन्नतें हैं जो अपनी अरदास लेकर सच्ची भावना के साथ इस धाम में आते हैं और अपनी परेशानी भैरव से कहते हैं। बेटा अपनी अर्जी लाओ, बिल्कुल फ्री माइंड अपनी अर्जी लिखो, बाबा के दरबार में बैठो, अपनी आप बैठ के उनकी आराधना करो और कागज़ पे अपने फ्री माइंड अपने कागज़ से अपने पेन से बैठ के सारी अपनी जो दुख तकलीफें लिखो, ऊपर अपना नाम और अपना गोत्र लिखो, बाबा के चरणों में नारियल के साथ रख दो। यदि आप में भक्ति और विश्वास है तो करना बेटा, और आप अपनी जगह सही हैं तो करना, नहीं तो फिर ये काम उल्टा हो सकता है। ये मत कहना बाबा ने कर दिया, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो करिए, आपको जरूर गारंटी से आपको उसका फल मिलेगा। इस सिद्ध दरबार में चमत्कार केवल चिट्ठियों का ही नहीं होता, बल्कि इस धाम में अखंड धुनी युगों से चलती आ रही है, जिसके बारे में आस्था का विश्वास यही कहता है कि इस धाम में आने वाले साधक धुनी की भभूत को लेकर घर जाते हैं और मानते हैं कि धुनी की भभूत से जीवन के न केवल बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, बल्कि घर के बड़े से बड़े रोग भी दूर होते हैं। मंदिर नहीं था, छोटी छोटी मूर्तियां थी और उस टाइम तो ये कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन थी नहीं, सालों पहले की बात है। तो उन्हें धुना स्थापित किया था इसी के काल भैरव के नाम के, तो वो धुनी चली आ रही, लोगों की श्रद्धा कि वहाँ पे वो धुनी को लेके जाएंगे हाथ में तो उनकी इच्छा पूरी होगी, वो उनकी बीमारियों से वो मुक्त हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, बहुत कुछ है जो आप जो भी क्या ना एक विश्वास हो सकता है व्यक्ति का, तो वो सब लेके जाते हैं धुनी से। भैरव बाबा के इस दरबार में आशीर्वाद भगवान शनि का भी मिलता है। कहते हैं कि शनिवार को जो जातक शनिदेव का तेल से अभिषेक करता है उसके सारे रोग दोष शनिदेव हर लेते हैं और देते हैं कल्याण का वरदान। तो अगर आपको भी भगवान भैरव के साथ शिव और शनिदेव का पाना है वरदान, तो आइए भैरव के इस दरबार में, जहां दूर होंगे आपके कष्ट और खत्म हो जाएगी आपकी हर एक समस्या। काल भैरव नाथ का रूप रौद्र जरूर है, लेकिन वक्त आने पर संकट की घड़ी में वे अपने भक्तों के हर कष्ट का निवारण जरूर करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाबा के दर से कोई भी कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। यहाँ पर सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है और हर प्रार्थना स्वीकार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदो के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। आस्था के धाम से निकलकर अब चलते हैं आज के धर्म सूत्र की ओर। एक दूध से बहुत किस्म का भोग बनता है उसको, उसके बाद सब्जी बनता है, वो भी उस एरिया में खूब पाया जाता है, जमुना मैया और गंगा मैया के किनारे में, तो उस क्षेत्र की भूमि का जो उपजाऊपना है उसमें बहुत रंग बिरंगी भोजन मिलता है। मिठाई पकवान, रंग बिरंगे सब्जी का पकवान, ये सब मिला करके 56 भोग का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के सफर में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।